राजस्थान कांग्रेस के 71 साल के इतिहास में सबसे लंबी समय तक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बने रहने के परसाराम मदेना के रिकॉर्ड को बुधवार को सचिन पायलट तोड़ने जा रहे हैं। पायलट ऐसे पहले युवा नेता है जिनका अध्यक्ष के तौर पर एक पारी में सबसे अधिक कार्यकाल हो जाएगा। साथ ही 20 जनवरी को सचिन पायलट अध्यक्ष के तौर पर अपना 6 साल का कार्यकाल भी पूरा करेंगे। प्रदेश में 2013 में कांग्रेस की करारी हार के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर 21 जनवरी 2014 को राजस्थान में भेजा था। उसके बाद पायलट के नेतृत्व में 2014 के लोकसभा चुनाव हुए जिनमें कांग्रेस सभी सीटें हार गई। उसके बाद कोटा और धौलपुर उपचुनाव को छोड़कर पायलट के नेतृत्व में हर उपचुनाव कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अजमेर अलवर लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा से तीनों ही सीट छीन ली थी। विधानसभा चुनाव 2018 के बाद पार्टी की प्रदेश में सरकार बन गई। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और संगठन के स्तर पर जोर लगाने के बाद भी 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में कांग्रेस को फिर पराजय हुई। निकायों में सरकार और संगठन की मदद से फिर कांग्रेस को जीत मिली है, जिससे कांग्रेस के भीतर फिर से उत्साह है। पहली बार ऐसा है जब कांग्रेस ने वसुंधरा सरकार से सीधे टक्कर लेने के लिए कांग्रेस के नया प्रदेश नेतृत्व में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया।